नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में मगहिया जवान और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का जो मामला था वो अब और भी ज़्यादा तुल पकड़ने लगा है, और तुल इस केस में पकड़ने लगा है कि अब जो है मगहिया जवान पर FIR दर्ज हो गया है। और इसको लेकर तमाम ऑथेंटिक जो खबरें हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को दिखा रहा था। जिस तरीके से मगहिया जवान के द्वारा लगातार खेसारी लाल यादव को, खेसारी लाल यादव के मैनेजर से लेकर राइटर तक को टारगेट किया जाता था, एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल किया जाता था और तमाम तरीके की बातें कही जाती थी, जैसे कि आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इन सारी चीज़ों को आप देखते होंगे। लेकिन इस कड़ी में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव नीतीश कुमार और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से लगातार गुहार लगाते नजर आए, तो सोशल मीडिया पर अपनी बात बिहार सरकार के द्वारा ना सुने जाने की बातचीत भी करते नजर आए। लेकिन इस कड़ी में अंदर ही अंदर खेसारी लाल यादव ने ऐसा खेला कर दिया है कि अब मगहिया जवान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। दरअसल मगहिया जवान के द्वारा ही कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर द्वारा तमाम मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 5-6 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब जो है गिरफ्तारी की तलवार बहुत जल्द लटकती नजर आ रही है। और जल्द ही मगहिया जवान के जो दो लोग हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और FIR दर्ज हो गया, मतलब कि हर चीज ऑथेंटिक है, सही इन्फॉर्मेशन और एविडेंस को बेहतर तरीके से पुलिस जांच करेगी और शायद की होगी, इसीलिए FIR दर्ज हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खेसारी के FIR करने के बाद खेला कब शुरू होने वाला है और दोनों भाई सलाखों के पीछे होने वाले हैं। वैसे बात करूं तो 5-6 मामले थाने में केस तो दर्ज हैं, साथ में मुकदमे की बात करता हूं तो लगभग 12 से 14 मुकदमे के बीच में कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज है। और ये मुकदमा खेसारी लाल यादव के द्वारा तो किया गया है, साथ में विवेक सिंह जो मैनेजर हैं उनका और अखिलेश कश्यप के द्वारा भी अलग अलग धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या रणनीति बनती है और आने वाले समय में इन दोनों भाइयों पर क्या कार्रवाई होती है। खैर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।